5 tricks for Adobe Premiere Pro for beginner. Trick number 1, fade in audio. तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑडियो को ट्रैक पर लाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से प्ले करके देखेंगे किस तरह से हमारा प्ले होता है। अब हम चाहते हैं इसमें फेड इन फेड आउट करना, तो जस्ट पेन टूल लेंगे और यहाँ से हम पॉइंट आउट कर लेंगे कहाँ से कहाँ करना है, बस ऐसे ड्रैग एंड खींच के नीचे तक खींच देंगे। तो इस तरह से पॉइंट क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, पॉइंट क्लिक किया पेन टूल की मदद से और इसे नीचे की तरफ खींचो या ऊपर की तरफ, जैसे फेड इन और आउट फिर दे सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, बस प्ले करके देखना है। तो आप इस तरह से प्ले करके देख सकते हैं, ये फेड इन हो रहा है धीरे 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 धीरे, फिर इस तरह से फेड आउट होगा। इस तरह से फेड इन आउट का इफेक्ट आराम से आप कहीं भी पेन टूल की मदद से, जस्ट पेन टूल लेना है और क्लिक करके पॉइंट क्लिक करके बस ऊपर नीचे शिफ्ट कर देना, तो इस तरह से फेड इन आउट हो जाए। ट्रिक नंबर 2, ऐड ब्लैक सिनेमेटिक बार, जिसके लिए हमें एक फुटेज को लेकर आना है और इसके ऊपर हम एक एडजस्टमेंट लेयर तैयार करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके सीक्वेंस में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर क्लिक कर देंगे और इसे ओके कर देंगे हम। उसके बाद जस्ट उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फुटेज के ऊपर लाकर रखना है और उसे पूरा फुल फुटेज में सेट कर देना है, इस तरह से ड्रैग करके। अब हम इसके ऊपर सेलेक्ट करके अब हम जाएंगे इफेक्ट में, तो इस इफेक्ट में जाकर हम यहाँ से क्रॉप सेलेक्ट चूज करेंगे। यहाँ से क्रॉप लिख देते हैं तो क्रॉप आ जाएगा, उसे सेलेक्ट करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। अब हम इफेक्ट कंट्रोल वाले पैनल पर जाएंगे और इसे क्रॉप टूल को सिलेक्ट करके हम टॉप से 10 कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से टॉप में से 10% नीचे की तरफ ब्लैक बार आ गया और यहाँ से बॉटम से टॉप परसेंट 10% कर देंगे। तो आप चाहे तो जितना भी चाहे कर सकते हैं, इस तरह से बार ऐड कर सकते हैं आप आसानी से अपने सिनेमेटिक लुक देने के लिए फुटेज को। तो ये था छोटा सा ट्रिक दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा ट्रिक नंबर 3, ऐड विग्नेट इफेक्ट इनटू वीडियो। तो उसके लिए हम क्या करना है, फुटेज तो हमारा आ चुका है यहाँ पे, बस एक एडजस्टमेंट लेयर फिर से क्रिएट करना है और उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके फुटेज को ऊपर ला के छोड़ देंगे और जितना चाहिए हम विग्नेट इफेक्ट उतना तो ड्रैग कर लेंगे, तो हमें पूरे वीडियो में चाहिए। तो इसके बाद हम फिर से यहाँ पे कलर पे जाएंगे, कलर पे जाने के बाद देखिए नीचे की तरफ एक विग्नेट का इफेक्ट दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम क्लिक करके विग्नेट को डिक्रीज करेंगे तो ब्लैक विग्नेट आएगा और इंक्रीज करेंगे तो वाइट विग्नेट आएगा। इस तरह से आप सारे सेटिंग्स कर ले जो सूटेबल लगे, तो हमारा वीडियो के अंदर आसानी से विग्नेट ऐड हो सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, अब इसे हम प्ले करके देखते हैं तो हमारे पूरे वीडियो में इस तरह से विग्नेट इफेक्ट आ चुका है। तो बहुत ही आसानी से आपने हमारे ट्रिक्स की मदद से इस तरह से विग्नेट इफेक्ट डाल सकते हैं अपने वीडियो में और उसे बहुत ही खूबसूरत है यूनिक लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये विग्नेट देख सकते हैं ऑन ऑफ करके, ये आफ्टर बिफोर करके। तो ये था ट्रिक नंबर 4, रिवर्स योर वीडियो। तो वीडियो को रिवर्स करना सीखे, तो वीडियो हमारा आ चुका है, इसे हम रिवर्स करेंगे। तो हमें जिस पॉइंट से रिवर्स करना है उस पॉइंट पर जाके क्लिक करेंगे, वहाँ से कट मार्क लगा देंगे एक। तो यहाँ पर देखिए हम कट मार्क लगा रहे हैं, आप कंट्रोल की से कट मार्क लगा सकते हैं जगह जगह, जहाँ जहाँ तक जितना वीडियो में आपको रिवर्स इफेक्ट चाहिए वहाँ से वहाँ तक कट मार्क लगा लीजिए। जैसे सेलेक्ट कीजिए फुटेज को और उसके ऊपर राइट क्लिक करिए, स्पीड में जाइए और यहाँ से रिवर्स पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, बस आपका काम हो जाता है। तो यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं हमारा सामने की तरफ जा रहा है, अब यहाँ से रिवर्स जाना शुरू कर दीजिए, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये सामने जा रहा है, अभी चाहे तो फिर और भी कट मार्क लगाना, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फुटेज में। जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे हम कट मार्क लगा के बाहर की तरफ फिर लाएंगे, जैसे कट मार्क कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो कट मार्क लग जाएगा हमारा। और फुटेज को सिलेक्ट करके सेम राइट क्लिक करना है, स्पीड में जाना है और यहाँ से रिवर्स सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है, बस हमारा फुटेज देखिए रिवर्स हो गया। प्ले करके देख सकते हैं अंदर जा रहा था बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये छोटा सा ट्रिक था। ट्रिक नंबर 5, ऐड लोगो इनटू वीडियो। वीडियो के अंदर अपने लोगो को ऐड करने से ब्रांडिंग बढ़ती है, तो आप लोगो को ड्रैग करके लाएंगे फोटोज के वीडियो के ऊपर, तो इस तरह से ड्रैग करें और वीडियो को ऊपर छोड़ दें। तो ये अब इसे हम जितना फुल वीडियो पे ड्रैग करके खींच लेंगे इस तरह से और सेट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए आपका लोगो बहुत बड़ा है, तो इसे हम इफेक्ट कंट्रोल पर जाएंगे और वहाँ से हम इसके साइज़ को छोटा कर लेंगे
20% कर सकते हैं, 10% जितना आपका लगे। इस यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को हम एक्स वाई घुमाकर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे चाहिए आपको लोगों को प्लेसमेंट वहाँ पर कर दे आप इस तरह से मूव करके, तो आसानी से प्लेस होगी। आप प्ले करके देखिए हमारा वीडियो में, बहुत ही अच्छा लगता है ये ब्रांडिंग के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा 5 छोटा सा टिप्स जो बिगनर्स के लिए था। तो इसी तरह टिप्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।